हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते आदाब जी। दिस इज़ योर हरपाल सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जी यूएस वीज़ा के बारे में। आई नो एवरीबडी इज़ फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज़ विद द न्यू यू नो पोर्टल। उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, ग्लिचेस हैं। इसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ मैं, बट अभी कुछ और नई दिक्कतें हमने फेस की हैं जी वाइल वर्किंग, यू नो। हाँ, तो वो आपके साथ शेयर करूँगा। बट इसमें से एक जो दिक्कत है, जो इशू है, विच इज़ मेजर इशू, और मैं ये मतलब प्रे करता हूँ कि वो किसी के साथ ऐसा इशू ना आए, ठीक है जी। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, यू गाइस शुड टेक केयर अबाउट इट। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज आई विल डिस्कस दैट इन द लास्ट, बिकॉज उससे पहले भी कुछ इशूज हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना। चलो जी, बिफोर स्टार्टिंग वीडियो जस्ट वॉन्ट टू लेट यू गाइज नो, इफ़ यू नीड टू हैव एनी काइंड ऑफ हेल्प इन इमिग्रेशन टास्क, यू कैन रीच अस ऑन द गिवन नंबर्स, ठीक है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, सो बात कर रहे थे जी हम इश्यूज़ की। यस, आपको पता है जून में जब नया पोर्टल लॉन्च किया था यूएस ने, तो उसमें काफ़ी इश्यूज़ थे। काफ़ी इश्यूज़ रिजॉल्व भी हो गए हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट, बट स्टिल देर आर लॉट ऑफ इश्यूज़। उसमें से कई इश्यूज़ ऐसे हैं जो आपका पूरी जर्नी, पूरे प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। बट एक इशू ऐसा है विच कुड बी अ मेजर मेजर यू नो ड्रॉबैक, वो तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। सो विल डिस्कस ऑल्सो दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है ना। हाँ जी, तो बात कर रहा था जी फीस की मैं। तो फीस में ऐसा है जी, यू नो एमआरवी फी रिफ्लेक्ट नहीं होती। अब वो क्या दिक्कत है जी, बहुत बड़ा इशू है। अब सबने फीस पे कर दी है, बट स्टिल इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग। अब इशू होता है जी, हमने पुराने पोर्टल पे पे की है फीस। अब पुराने पोर्टल पे फीस पे की थी उस टाइम $160 फीस थी, बट नाउ फीस हैज़ बीन चेंज टू 185। सो दिस कुड बी एन इशू कि वो सिस्टम में एरर आ जाता है और वो जनरेट नहीं कर पाता है, इट डजेंट शो यू एनी फीस पेड। सो ये बहुत बड़ा इशू है। इसमें एक ही आप स्टेप है जो ट्राई कर सकते हैं, दैट यू कैन यू नो क्लोज एंड स्टार्ट एप्लीकेशन, एंड यू कैन यू नो पुट द रिसीट नंबर, एंड यू कैन ट्राई टू रिट्रीव द फीस। अगर होता है ठीक है, अदरवाइज यू नीड टू कॉन्टेक्ट द एम्बेसी हेल्पलाइन, ठीक है जी। और दूसरा, अगर बात करूँ, कई लोगों ने फीस मल्टीपल टाइम पे की होती है। मल्टीपल मतलब कि लाइक डिपेंडेंट्स होते हैं, किसी की एक बार कर दी, किसी की दूसरी बार कर दी। अगर ऐसे कुछ केसेस भी होते हैं, जैसे यू नो मदर फादर की पहले पे कर दी, बट लेटर ऑन यू हैड डिपेंडेंट्स, उसमें भी अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे करते हैं, देन इट क्रिएट्स एन इशू, और तब भी ये एरर आता है, ठीक है जी। सो इशू रिजॉल्व करने का तरीका मैंने बताया, यू कैन ट्राई दैट और एल्स यू हैव टू कॉन्टैक्ट एम्बेसी। दूसरी बात करते हैं जी, अनेबल टू साइन इन। जी हाँ, इफ़ यू सी आप लॉगिन करेंगे, ये आजकल चल रहा है, व्हेन यू लॉग इन इट विल यू नो गिव यू दिस एरर मैसेज। वो एरर मैसेज में क्या है, वो आपको शो करता है कि नहीं, लॉगिन नहीं हुआ, और यू नो एंड यू नीड टू ट्राई अगेन। सो इसमें कुछ नहीं करना जी, ये एरर मैसेज सभी को आ रहा है, इट्स अ सिस्टम एरर अगेन। आप यू जस्ट क्लिक ऑन साइन इन एंड ट्राई टू लॉग इन अगेन, एंड यू विल गेट इट यू नो इन द सिस्टम, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बट इट इज़ हैपनिंग, इट शुडन बी देयर, बट आई डोंट नो क्या इश्यूज चल रहे हैं, अभी तक रिजॉल्व नहीं किया, वो लूप में चला जाता है, ठीक है जी। तीसरे इशू की बात करूँ, डिपेंडेंट्स के जो इश्यूज आ रहे हैं। सबसे पहला इशू आता है जी, आप प्रोफाइल बना लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, आप चार जाने हैं, बट आपका आ गया है, ऐड हो गया, बट यू आर नॉट एबल टू ऐड डिपेंडेंट्स। वो डिपेंडेंट्स को ऐड करने में बहुत दिक्कत आती है, इट विल नॉट ऐड डिपेंडेंट्स, मैनी पीपल आर फेसिंग, ठीक है। वो इश्यूज़ आते हैं, ठीक है, उनकी फीस नहीं दिखाई देती काफ़ी केसेस में, ठीक है। और तीसरी अगर बात करूँ, उनका स्लॉट बुकिंग का जो है वो बुक नहीं होते, आपका बुक हो जाता है प्राइमरी एप्लीकेंट का, उनका बुक नहीं होता। सो इन तीनों केसेस के लिए जो कि डिपेंडेंट ऐड नहीं हो रहे, इसके लिए आपको बताता हूँ मैं, यू कैन यू नो डू इट विद न्यू आईडी, ठीक है जी। आप नए ईमेल आईडी से ट्राई कर सकते हैं, जस्ट यू नो ट्राई टू ऐड अ न्यू प्रोफाइल विद दैट, ठीक है। बाकी रही बात यू नो फीस की, फीस मैंने आपको पहले ही अभी शेयर किया है। फीस में आप लोगों को उसमें शो करना पड़ेगा कि भैया पुरानी फीस, अगर पुराने सिस्टम में पे कर रखी है, देन यू नीड टू हैव अ रिसीट नंबर, यू कैन ट्राई रिमूविंग एडिंग देम विद अ न्यू रिसीट नंबर, ठीक है। अगर वो आपको
कर देगा ऐड, तो अदरवाइज लास्ट ऑप्शन यू नीड टू यू नो गेट इन टच विद द एम्बेसी। तीसरी मैंने बोला था स्लॉट बुकिंग, ठीक है। अब स्लॉट बुकिंग में ऐसा इशू आ रहा है जी डिपेंडेंस के साथ, प्राइमरी एप्लीकेंट जब बुक करता है इट विल बुक फॉर ओनली वन एप्लीकेंट, बट डिपेंडेंट्स चार डिपेंडेंट्स हैं, पाँच हैं, दो हैं, इट विल नॉट बुक फॉर देम। ये भी एक इशू है, इट इज़ गोइंग ऑन एंड इट इज स्टिल हैपनिंग एंड इट इज़ नॉट रिजॉल्व एज ऑफ नाउ। बहुत से लोगों को इशू आ रहा है, मैं आपके साथ एग्जाम्पल भी शेयर करूँगा स्क्रीन पे, यू कैन सी इसमें देखेंगे तो डिपेंडेंस शो कर रहा है लेकिन इसमें अगर फीस शो कर रहा है वो एक ही शो कर रहा है जैसे मैंने आपको बताया था, और अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो एक ही करेगा, ठीक है जी। ये एक बड़ा मेजर इशू है। और उसके बाद अगर बात करूँ मैं मेजर इशू की, सबसे मेजर इशू रिसेंटली हुआ जी हमारे साथ, सो आई थॉट आई वुड कम अप एंड शेयर विद यू। हमने स्लॉट बुक किया, पर्सन वाज यू नो वेरी हैप्पी, इवन वेंट टू बायोमेट्रिक्स, वो बायोमेट्रिक पे चला गया, बट व्हेन ही वेंट टू द काउंसिल अपॉइंटमेंट दे डिडंट लेट हिम गो। वो क्या बोला उन्होंने, दे सेड देयर इज नो अपॉइंटमेंट, योर अपॉइंटमेंट इज कैंसल्ड। सो ये भी सिस्टम का इशू है, बंदे वापस आ गए एंड दे वर डिसहार्टन्ड एंड एवरीथिंग, नो वन नोज व्हाट हैपेंड, बट व्हेन वी चेकड आउट विद द एम्बेसी यू नो दे जस्ट सेड यू नो वी विल गिव यू ऑप्शन ऑफ रीशेड्यूल। अब उनको सब कुछ दिखाया है, व्हेन यू बीन टू एम्बेसी आपने अपना बुकिंग अपॉइंटमेंट दिखाया है, बायोमेट्रिक हो चुकी है, एंड वंस यू बी देयर ऑन काउंसिल अपॉइंटमेंट तो दिस इज दैट योर अपॉइंटमेंट कैंसल, सिस्टम ऑटोमेटिकली कैंसल्ड देयर वीज़ा अपॉइंटमेंट। जी हाँ, दिस इज़ द बिग इशू एंड आई वुड प्रे किसी के साथ ये ना हो, ठीक है, बिकॉज अब क्या होगा, दे हैव टू गो फॉर अ न्यू साइकिल ऑफ गेटिंग द वीज़ा अपॉइंटमेंट एंड इट विल बी अ बिग इशू फॉर एवरीवन। पहले तो बुक करना है, इतने टाइम से वेट की थी, बुक की थी, एंड एम्बेसी व्हाट दे जस्ट डिड, दे जस्ट गिव यू ऑप्शन फॉर रीशेड्यूलिंग विदाउट पेइंग मनी बिकॉज इट वॉज देयर सिस्टम इशू। सो ये इशू जो है बहुत ही बड़ा इशू है, इट कैन हैपन विद एनीवन, सो प्लीज़ हाईलाइट इट, राइट ईमेल्स टू देम, मतलब सोशल मीडिया पे यू नो डालिए, मैंने वीडियो बनाई है आपको दिखाने के लिए ये इशू आ रहा है, ठीक है। सो इट हैज़ टू बी यू नो पिन पॉइंटेड, बहुत मेजर इशू है, ठीक है। जब आपको लास्ट जो टास्क होता है इंटरव्यू का वहाँ से वापस भेज दिया जाए जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सिस्टम इशू, ठीक है जी। सो जस्ट यू नो बी अवेयर ऑफ दिस ऑल्सो, इट कुड हैपन। अगर बात करूँ लास्ट इशू है जी सपोर्ट की, सपोर्ट इज नॉट गुड एट ऑल। अगर बात करूँ फ़ोन की, यू हैव टू वेट फॉर 40 मिनट्स, 30 मिनट्स, देन दे पिकअप द कॉल एंड इवन देन दे वोंट बी एबल टू गिव यू सोल्यूशन बिकॉज दे आर जस्ट सिटिंग इन अ कॉल सेंटर हैविंग मिनिमल अथॉरिटी टू गिव यू एनी सोल्यूशन। एंड वट दे विल डू, दे विल आस्क यू टू राइट एन ईमेल और दे विल यू नो से दैट वेट एंड वॉच, दिस इज वॉट इज हैपनिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। और अगर हम बात करें जी ईमेल की, तो ईमेल पे रिस्पॉन्स ही नहीं आता, ठीक है जी। ईमेल डालो, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, दे सेंड एन ऑटोमेटिक रिप्लाई दैट यू नो इज वर्किंग एंड दिस एंड दैट, दैट्स इट। और हाँ, समटाइम्स दे डू आस्क यू टू रेज अ केस, दिस इज ऑल्सो अ न्यू इशू विच आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू। आप केस रेज कर देंगे बिना इशू रिजॉल्व किए, जो टीम है जो भी बैठा है दे ऑटोमेटिकली सेंड एन ईमेल और योर केस इज रिजॉल्व, बट केस रिजॉल्व का मैसेज आ जाता है बट इशू स्टिल प्रसिस्ट। सो आई एम नॉट श्योर क्या फ़ायदा है केस यू नो रेज करने का सिस्टम में जाकर, ठीक है जी। सो ये भी एक बड़ा इशू है दिस इज विच वी आर फेसिंग, ठीक है। और फॉल्स जो कमिटमेंट्स की जाती हैं दैट यू नो योर सिस्टम इज फेसिंग इशू, और या फिर ये इशू था, वी हैव रिजॉल्व द इशू, यू ट्राई आफ्टर फ्यू बिजनेस डेज, बट व्हेन यू ट्राई आफ्टर फ्यू बिजनेस डेज एरर इज सेम, इशू इज नॉट रिजॉल्व। सो दिस इज ऑल विच इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट एंड एवरीबडी इज फ्रस्ट्रेटेड एंड यू नो दे आर आउट ऑफ देयर माइंड, पीपल आर यू नो स्टॉपिंग यू नो फॉर अप्लाइंग, ठीक है। बट एक बात और लास्ट में शेयर करूँगा, देर आर मैनी पीपल, अगर आप कमेंट्स चेक करेंगे बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सर हम फीस दोबारा जमा करा के ना दोबारा कर लेते हैं। देखिए इट वॉन्ट वर्क, फीस दोबारा सबमिट करने से कुछ नहीं होगा, इशू विल स्टिल प्रोसेस्ड, ठीक है।
फीस आप तभी दोबारा अप्लाई कीजिए इन केस अगर आपको बाय चांस एम्बेसी खुद कहती है कि आपको फीस एक्सपायर हो गया, दोबारा फीस पे करके कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज देर इज़ नो यूज़ कि सिस्टम में आपकी एंट्री हो चुकी है, फीस दोबारा पे करने से भी इशू रिजॉल्व नहीं होंगे, इट हैज़ टू बी रिजॉल्व विद इन द सिस्टम ओनली, ठीक है जी। सो दीज आर द इशूज़ विच आई वॉन्ट टू यू नो पिन पॉइंट एंड डिस्कस विद यू गाइज, ताकि आपको पता लगे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बट ये जो सोल्यूशंस मैंने कुछ दिए हैं आपको या कुछ अभी कभी हम वैसे ही आपको देगी, दे आर वर्केबल ऑन फ्यू प्रोफाइल्स, नॉट एवरी प्रोफाइल। सो ऐसा नहीं है कि इशू रिजॉल्व नहीं होते हैं, इशू रिजॉल्व हुए हैं, बट नॉट एवरी प्रोफाइल गॉट सेम सोल्यूशन, ठीक है जी। सो आई होप दे वर्क ऑन दिस यू नो ASAP एंड गेट इट रिजॉल्व। पुराना सिस्टम बहुत चल रहा था अच्छा, आई डोंट नो वाई दे पुट इट दिस, जब वो भी विदाउट टेस्टिंग इसने एरर्स हैं तब भी उन्होंने लाइव कर दिया। एनीवेज दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू फॉर द न्यू नॉलेज, अभी क्या चल रहा है, क्या क्या एरर्स आ रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, यू गाइज टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, एंड बिफोर वाइंडिंग अप टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है जी। थैंक यू।